हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पूनम्स किचन में। आज मैं टमाटर से बनने वाली सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप टोमेटो स्टफ्ड करी भी कह सकते हैं। इसे आप किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे बना सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमें इन टमाटर के अंदर वाले सारे जूसी पार्ट्स को निकालना है। इसके लिए हमें नाइफ़ की हेल्प से इसको कट कर लेना है, फिर गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से इसके सारे जूस को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से बाकी के बचे हुए टमाटर को भी हम कट करके इसके जूस निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने सारे टमाटर के जूस निकाल लिए हैं, और यहाँ जो हमने सारे जूस निकाले हैं, हमें इसे फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम पेस्ट बनाने में करेंगे। अब हमें स्टफिंग की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया था। इसे मैंने छील के मैश कर लिया है, और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जो बिल्कुल गर्म है, तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल बिल्कुल गर्म है, तो इसमें सबसे पहले मैं 1 स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 स्पून के करीब गरम मसाला, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून धनिया पाउडर। और मैंने जो आलू मैश करके रखा था वो आलू हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस हमारी स्टफिंग रेडी है, तो गैस को मैं बंद कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इन टमाटर में स्टफिंग को फिल कर लेंगे। तो इसके लिए हम 1 चम्मच स्टफिंग को लेकर हाथों की हेल्प से इसे दबाते हुए इस तरह से फिल कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से बाकी के बचे हुए टमाटर को भी हम फिल कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे टमाटर को स्टफ कर लिया है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें ग्रेवी की तैयारी करनी है, तो इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट लिया था, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। और जो टमाटर का जूस हमने बचा के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और अब मैंने जो टमाटर स्टफ करके रखा था, हमें इसे शैलो फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने पैन में 2 स्पून ऑयल डाला था। ऑयल बिल्कुल गर्म है, तो हम एक एक करके ये टमाटर इसमें डालते जाएंगे। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे चारों साइड से पकाएंगे, और इसमें लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम जाएगा। ये देखिए हमारे टमाटर हल्के हल्के चारों तरफ से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हमें इसे अब ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब सेम पैन में मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और डाल रही हूँ, तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले मैं 1 स्पून के करीब ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। और मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा था वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पैन से अलग ना होने लगे। ये देखिए पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी।
हल्दी पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 2 स्पून, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 स्पून, अमचूर पाउडर 1 स्पून और नमक 1 स्पून। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ और इसे भी हम इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे लगभग मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसी ग्रेवी रखनी है उसके अनुसार। अब मैं इसमें 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा कसूरी मेथी। बस इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और इसे हम लो फ्लेम पे कवर करके तब तक कुक करेंगे जब तक कि ग्रेवी से ऑयल अलग ना होने लगे। ये देखिए, थोड़े बहुत ऑयल ग्रेवी के ऊपर आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। और मैंने जो टमाटर फ्राई करके रखे थे वो हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। और अब हम चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ग्रेवी टमाटर के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसे और 2 से 3 मिनट तक ढक के कुक करेंगे। ये देखिए, रेडी है हमारी आज की रेसिपी। इसे बनाने में थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है लेकिन ये खाने में उतना ही लाजवाब लगता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।